जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया है। मेरा नाम अनिका मैदी हसन भट्टी है, मेरा ताल्लुक ज़िला हाफिज़ाबाद से है। मेरा हलका NA-67 पाकिस्तान का सबसे बड़ा हलका है और मैंने इस दफ़ा पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोट सिक्योर किया है। ये मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है कि मेरे ज़िला ने मेरे पर भरपूर एतमाद किया है। मैं मुझसे पहले मेरे इस मुकद्दस ऐवान में मेरे वालिद मैदी हसन भट्टी और मेरे भाई शौकत अली भट्टी अपने ज़िले की नुमाइंदगी कर चुके हैं। जनाब स्पीकर, मैं एक घरेलू खातून थी। इस निज़ाम ने मुझे और मेरे ख़ानदान को इस कदर मजबूर किया है कि मुझे अपने घर की चार दीवारी छोड़कर इधर आना पड़ा है। जनाब स्पीकर, इंसाफ कहाँ से मिलेगा? आप ये बताएं, 9 मई के वाक़े में मेरे भाई पर 29 FIR दर्ज हुई हैं। मेरा भाई क्या सुपरमैन था जो एक ही वक्त में कई अजला के एक ही वाक़े में मुलविस हो गया था? जनाब स्पीकर, मेरा ताल्लुक एक एग्रेरियन डिस्ट्रिक्ट से है और मेरे डिस्ट्रिक्ट से आपकी फेडरल गवर्नमेंट गंदुम परचेज करती है। इस हवाले से मैं आज इस मुअज्ज़ज़ ऐवान की तवज्जो एक बहुत ही अहम मसले की तरफ मबजूल कराना चाहती हूँ, जिसका सामना मेरे ज़िला के गरीब और मजलूम किसान ने किया है। पहले भी कई मेंबरान ने इस बारे में डिस्कशन की है, अपना अपना एहतजाज भी किया है, अपने अपने ज़िले के मसाइल भी बयान किए हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी ये नहीं यकीन दिलाया गया कि उनके ज़िले के लिए अभी तक कोई काम नहीं हो सका। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो अपना मसला इधर रख रही हूँ, मेरे इसको इस पर नज़रसानी किए जाए और मुझे इसका रिस्पॉन्स दिया जाए। जनाब स्पीकर, क्या मसूफ वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि उन्होंने मेरे ज़िला के मजलूम किसान का कोटा किस कीमत पे कामों की और दूसरे अजला के आड़ती हजरात को फरोख्त किया है? जो मेरे नोटिस में बात आई है कि मेरे ज़िला का बारदाना 1000 रुपये फी बोरी फरोख्त किया गया है। ये मेरे किसान के साथ जुल्म हुआ है। पहले ही गवर्नमेंट ने गंदुम का रेट कम देकर किसान का मौशी कत्ल किया है और ऊपर से वजीर साहब ने मेरे ज़िले के साथ क्या किया है, मुझे इसका जवाब चाहिए। जनाब स्पीकर, सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक मेरे ज़िला में तकरीबन 60,000 एकड़ गंदुम काश की गई है और उस पर पहले हमें 15 लाख बैग एलोकेट किया गया था, बाद में 5 लाख मजीद किया गया है। आप ये सोचें कि अगर 50 मन फी एकड़ पैदावार के हिसाब से ये बारदाना 95,000 एकड़ अराजी का बनता है और मेरे किसान की नीड 60,000 एकड़ की थी, मौसूफ अगर वो 60,000 एकड़ की अराजी का बारदाना मेरे किसान को दे देते तो इनके लिए 35,000 एकड़ का बच जाना था, लेकिन इससे इनका पेट नहीं भरा है। जनाब स्पीकर, सितम जरीफी देखें कि हुकूमत की बैड गवर्नेंस का ये हाल है कि इतना वाफर बारदाना होने के बावजूद मेरा किसान आज अपनी गंदुम लेकर सड़क पर बैठा हुआ है। आप और आपके महकमों के लिए वबाले जान बन गया है। मसूफ वजीर साहब इस हद तक मेरे जिले में दखल अंदाज होते रहे कि जब खरीदारी मराकज पर किसानों ने इश्तियाल में आकर बाहर से आई हुई गंदुम के ट्रकों को रोका तो मसूफ वजीर साहब खुद मेरे जिला के मुकामी लोगों को कॉल्स करके धमकाते रहे हैं। इस बात का हलफ दिया है इन्होंने इधर, मुझे जवाब चाहिए इनसे भी और मुझे आपकी भरपूर हिमायत भी चाहिए। जनाब स्पीकर,
मोहतरम इतने फारिग तो नहीं है कि इधर मिम्रान के सवालात और तहफुजात के जवाब दे सके, लेकिन उधर भरपूर मदाखलत करते रहे। अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाया है इन्होंने। जनाब स्पीकर, अपने इंतहाई करप्ट और खास बंदों से उन्होंने अपना हिस्सा बकदरे जुसा पूरा पूरा वसूल किया है। परचेज इंस्पेक्टर से लेकर जिला के सरबराहान तक सब ने अपना अपना हिस्सा लिया है, जिसमें मेरे जिला का डीजीएम मुकर्रम हयात, पीएम रिजवान, पीएम सरफराज चीमा, सब ने इनका साथ दिया है। मुझे मेरी आपसे ये इंतहाई गुजारिश है कि इस मुकद्दस अवान के इनकी इंक्वायरी की जाए और इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि इन्होंने एक मजलूम किसान का हक खाया है। मैंने जो भी इधर मसला आपके सामने रखा है, मेरी इंतहाई गुजारिश है इस मुअज्जज ऐवान से और आपसे कि इस पर भरपूर तरीके से कार्रवाई की जाए और मुझे इसका रिस्पॉन्स दिया जाए। मुझे अपने जिला की आवाम को, खास तौर पर किसानों को इसका जवाब देना है, जो कि अभी तक किसी को नहीं मिला है। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। और दूसरा एक छोटी सी चीज मैं अर्ज करूंगी, देखिए हम फीमेल मेंबर्स हैं, हम इस ऐवान में मर्दों के साथ बैठते हैं, हम इलेक्ट होके आए हैं या हम सिलेक्ट होके आए हैं। कल इस ऐवान में जो बदतमीजी हुई है, ये हमारा हक नहीं बनता। हमें हमारा इस्लाम ये इजाजत नहीं देता कि हम गैर मर्दों के गिरेबान पकड़े। ये कैसा मैसेज जा रहा है? 96 में मैं अपने फादर के साथ, मेरे फादर मेंबर थे और मैं उधर ऊपर बैठी थी, तब भी मेरी लेडीज हजरात यही काम करती थी। आज 24-27 साल बाद भी हम इतने, दुनिया आगे जा चुकी है और हम वही खड़े हुए हैं। ये मेरे से मोहतरम है, पुराने मेंबर्स हैं, मैं न्यू कमर हूँ, ये मुझे ये मैसेज दे रहे हैं। शुक्रिया। तो मेरी माइक खोलें। मेरी तमाम लेडीज से ये गुजारिश है कि खुदारा मर्दों से अपनी इज्जत खुद करवाएं, उनको मौका ना दे कि वो आपके साथ बदतमीजी करें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। एक अनाउंसमेंट है जी। मे आई हैव द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स, इट इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द हाउस दैट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फ्रॉम Government Post Graduate Girls College Number 1, Aptabad are sitting in visitors gallery. We welcome them. Mohtarma Asia Naz Tanoli Sahiba.